बहन शीला, बहन शीला अगर आप यहाँ कही हो, अगर हमारी आवाज सुनो बहन, आप यहाँ पे आने की कृपा करिए बहन। आपके बड़े भैया डॉक्टर केशव भैया बुलाए हैं बहन, आप तुरंत आने की कृपा करिए। क्या बात है भैया? बहन किसलिए बुलाए? जिस इंसान को लाई थी पागल के रूप में, वो ठीक हो गया है। ठीक हो गया? बहन उसे कुछ नहीं हुआ था। हाँ। वो कोई जहरीला पॉइजन खा लिया था जिससे उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया था। ठीक है, एक बात ये बताओ बहन। जी भैया। वो तुम्हें कैसा लगता है? भैया देखने में तो ठीक ठाक लगता है। नेता यार तुम, बोल नेता सोच समझ कर बात किया करो यार, मैं जात की बात नहीं कर रहा हूँ। जे पागल है भैया जे। अरे मनाई है, अच्छा ना दिखाई का पागल दिखाए। तुम्हारी सोच ठीक नहीं है नेता। बहन जी भैया, मैं भाई होने के कारण एक सलाह तुमसे लेना चाहता हूँ। जी भैया बोलिए। अगर तुम्हें इतराज ना हो तो सोचता हूँ कि अगर वो लड़का अच्छा है तो तुम्हारी शादी कहीं ना कहीं तो हमें करना ही होगा। तुम्हें अगर पसंद हो तो मैं तुम्हारी शादी इसके साथ कर दूँ। भैया मेरे भैया इतना जल्दी फैसला ले लिए? तुरे का समझ में आता है तो विचार में का है का बता। नेता भैया तुम बताओ कि तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं? अरे पागल हमका तो अच्छा दिखाता ही बा, इतनी कि नाटा बा, मोटा बा, मुलक बिट्टी। हम सोचा कहीं अब हम सोचा कहीं चलो कौन बात नहीं, हम समझ ले बाद में बात। तो नेता भैया मैं अपने भैया से नहीं कह सकती, आप बता दीजिए कि ठीक है। भैया नेता क्या बात है? भैया बिट्टी कहती बा लड़का हमका तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं, तुम्हारा भी इलाज कर दूं। भैया बिट्टी कहती बा कि लड़का हमका साफ साफ बोलो क्या बात है भैया? बिट्टी कहा जी बा हमका लड़का पसंद बा। अच्छी बात है बहन, तुम खुश हो बेटा। ए मेहमान कल के मेहमान वही हैं अबे, बोलने का तरीका क्या बात है भैया? देखा एक बात बताई, हमारी बेटी कमजोर बात है, तनिक काम धंधा कायदे तनिक कमाई ले। हाँ यार कमजोर बात शरीर से भारी बात है, देखा मेहमान तनिक समझ के काम करा। भैया मना दे मेहमान के। बेटा। हाँ साहब। सोचता हूँ कि ये मेरी बहन सयानी है शीला। हाँ साहब। तुम्हें इतराज ना हो तो मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। आपने मेरी जिंदगी को बचाया और आप मेरे भगवान हैं, और भगवान की बातों को टाला नहीं जाता, इसलिए कुछ ना कह करके मैं आपके हर एक बात मानने के लिए तैयार हूँ। नेता नेता बहरे हो गए हो, समय कम है। सही है भैया, और कोई व्यवस्था नहीं है इस वक्त। व्यवस्था ना है भैया, हम कहते हैं बिट्टी तू अपन हाथ ही दे। पागल हो गए? और तू अपन हाथ दे। तुम्हारा दिमाग ठीक है? हाथी आता क्या है भैया? हाथ बोलो। हाँ दे, हिम जल्दी से करी नहीं भद्रा लागे वाला है।
मेरा घर छोड़कर अपने ससुराल जाओगी बहन? ओ बाबुल का घर घर बहना कुछ दिन का ठिकाना जा रही बहन, पति की सेवा करना बहन, सुख दुख जो कुछ मिले उसे सहकर अपने घर में इज्जत से रहना बहन। ऐसा ससुराल में जाकर कोई गलत काम ना करना, तुम्हारे भाई का सर सर पे सर।
आपकी इज्जत रखूंगी भैया, मैं आपकी इज्जत को नहीं जाने दूंगी भैया। तुमसे यही उम्मीद है बहन, जाओ मेरी भी उम्र तुम्हें लग जाए, हमेशा खुश रहो। आज तो अपने इमूड़ी का बोझा हल्का कर दिया भैया। हाँ भैया, क्योंकि अगर घर में अगर बहन या बेटी अगर सियानी हो जाती है तो भाई भाई का माँ बाप का यही एक फर्ज बनता है भैया कि जरूर बेटी और या कि बेटा हो बहन हो जरूर कन्यादान करना जरूरी है भैया। आज अगर आप कर दी है समझ लो आपके मुड़े का बोझा हल्का हो गया भैया। ऐसे हमारे तुम्हारी अगर ऐसे अगर अस्पताल अगर चलेगी भैया तो एक दिन हम दोनों भाई मिल के भैया जब सारा पैसा हो जाएगा बहन के घर सारा सामान सब कुछ पैसा दहेज कौड़ी सब कुछ लेके चलेंगे भैया। भैया बाबू एक बात याद रहे कि घर में चाहे बेटी हो या बेटा दोनों को एक तरीके मानना चाहिए और दोनों को शिक्षा बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये लड़का है इसे पढ़ाइए, सोचते हैं कि ये लड़की है इसे से चूल्हा बर्तन करना है, नहीं किसी मायने में बेटी का दर्जा बेटे से कम नहीं होता है। कहना है एक किसान के पास दो बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी, और वो अपने बेटे को बहुत शौक से विद्यालय भेजते हैं। जब वो विद्यालय जाता है तो जो बेटी बहुत दुख ही होती है। वाह भैया कैसे, हो कि बेईमान जिन करा अपने माँ बाप से कहती है कि बेईमान जिन करा कि दादा तुई नौका पढ़ावा बेईमान ढंग से बेटा अच्छे ढांचे में ढलावा बेईमान। और माई तोहर का हालत बा? ठीक बड़ी, बस एक चीज ना ठीक बा। का भा? कि जब से घर छोड़ के हमार विनोद गा लौट के नहीं आए रे, ओकर बड़ी याद सतावत। एक काम करते बेटा, कुर्सी लगाते तो हम आराम कर ले।
देख ये आपका लाल विनोद आया है माँ, क्या तू अपने लाल के गले ना लगाईबू महतारी माँ 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 ना माँ अभिनूर कहाँ रहा बेटवा तू उतरा दीना और अभी तो तू बिल्कुल ठीक ठाक आ गया। हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, शीला ये मेरी माँ है, सबसे पहले तुम इनका पाँव छुओ। सासू माँ के चरणों में शीला बहू का क्या हुआ माँ? अरे माँ, अरे जिस लड़की के पाँव धरते ही आप इतनी दूर जा रही है, अरे उसी लड़की की देन है कि आपका लाल जिंदा है माँ। जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी माँ, इसके भाई का नाम डॉक्टर केशवलाल है माँ, डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज किया और जब मैं ठीक हो गया माँ, तो एक दिन डॉक्टर साहब मुझसे कहने लगे, विनोद अगर मैं कुछ कहूँ तो मेरी बात को मानोगे? मैंने कहा साहब अरे आपने मेरी जिंदगी को बचाया, आप मेरे भगवान है। इस दुनिया में पैसों के लिए कितनी माँ कितनी बहन और कितनी बेटियों की जान चली जाती है, अरे आपने तो मेरा इलाज किया है साहब, आपकी एक नहीं हजार बात को मानूंगा साहब। लेकिन माँ डॉक्टर साहब मुझसे ये कहे, विनोद मैं ये चाहता हूँ और मेरी बहन भी चाहती है कि तुम दोनों शादी कर लो माँ। मैं डॉक्टर साहब के शान के तले दबा माँ, मैं माँ दुर्गा जी के मंदिर में शादी करके आया हूँ माँ। ये मेरी पहली और आपकी गलती होगी माँ, ये मेरी गलती को माफ कर दे माँ। शादी करके आएगा बेटवा? हाँ माँ। बिना बताए शादी करके आया, यह बात के पछतावा होत बा? हाँ माँ। हे भैया कहा थे कि जौन किस्मत में लिखा रहा था वह वही करा थे, चला तो के पसंद तो बा न दुल्हीन? हाँ माँ। ओका तू पसंद है? हाँ माँ। तो जब तू लोग राजी है तो हम का कर भाई, एक काम कर बेटा दुल्हनिया से दुई बात हम कह ले, तू चला नहाए धोला कुछ खाना पीना खा ला, मावा था ठीक है माँ मैं चलता हूँ। भैया जा हमारा हमारे प्लाई बेड पे सोवा। प्लाई बेड? ठीक है माँ मैं चलता हूँ, अगर अब बहुत से आप बात करना चाहते हैं सब करिए, चलता हूँ। नमस्ते माँ। नमस्ते बेटवा। बाद में देखी, लेकिन हमके नेता एक बात के जवाब दे, कहा थे कि एहसान के बदला एहसान, काम के बदला काम, पैसा के बदला, लेकिन एक बात यह है रे कि भाई एहसान अगर डॉक्टर करे तो एहसान नहीं माना जाता है, अरे वो तो भगवान मान लेते माने, लेकिन वो भगवान तब तक है जब तक कुछ ले ना, लेकिन ले लिया तो कैसा एहसान कैसा भगवान। अगर तू हमार जान बचाए है तो तुम्हार हक अधिकार बनत कि तू हमसे पैसा ले अपन दवाई सुई के वो अपन बहन बिटिया नहीं भी देते रे, किस्मत में जवान हो था वो तो हो जात के रोकत नहीं, लेकिन हम कमलावती रानी हम तक किस्मत बदल के दिखाओ, आज इनका अंडा खूब मार मारा बना के भाग जाइए, हमारे तीले कराए पे सारे पानी फेर दिए, सोचे रहे बेटा ब्याह कर अब खेताना दहेज मिली हमके, गहना दिया पैसा गाड़ी मोटर सर सामान सब मिलत, बाल्टी पानी नहीं कहबे के देख रही अब हट जैसे हमके बतिया गए। हे दुल्हन ना क्या है माँ? का नाम बा बिटिया तोहार? भौजी ना बघारी भौजी, का नाम बा बिटिया तोहार? मेरा नाम शीला है माँ जी।
अगर तोहार नाम शीला है, शीला तो बहुत अच्छा नाम है, लेकिन एक बात बतावा कि अब के तोहार हिया जेठौत के ससुर के गाँव देश वाला बा तोहार रह महे तो है तोहार सासू माई आ तुम हुना बोल ल बस यही है ना और उठावा रच के अब नैहरे के याद जात नहीं रोकती नहीं हाँ हमार बात सुना बिटिया रच के भाई जवान हंटर पर ही चमरी फाट जाए तुरंत मचो पर घर में बैठे ना बोला करे करे झूठ मूठ के शादी कैसे हमारे बेटा को फंसावे पाए कितने बड़े महल के महारानी बने के खाब देख के चली आए रे ताई निकल यहां से माफ करिए हमारी खता सासू माँ ऐसी गलती दोबारा अब होगी नहीं चली जा तू घर छो कर के हम
आगे हमारे आप लोग से कहते हैं माई बहनिया हरा, जैसे रात भी देखो उससे दो मिनट और देखा घबरा जिन चलब हम सवेरे चलब हम कर लिया के चलू तो है चूल्हा बर्तन हम कह देव। अमूलक कहते हैं गिट्टी बालू विक्रेता वाले भैया कहते हैं तनि के पटो मिली अच्छा जाबाई कर माई बहनिया हरन के सरसाई काट देवे महारानी गाड़े पिटवाई कर ही जा जा घर से जा भाग जा यहां से जा निकल जा, जा। पता नहीं कब महारानी गाड़ी हर दाम खा रही देख एक था एक का एक का एक का एक का एक का हर पहले हटा दिया से भाग से बोल रे अरे काहे बदे ससुरे ना अब के सता बतबा काहे बदे ससुरे ना अब के सता बतबा माई माई ते हमका हुमुक देते हुमुक ना देबे तो का भाई दबाई देते मर जाबे ते हुमुक जिन लेबे बाद में तो का हुमुक देबे हम ई कहते है चली जा भौजी हियां चली जा अपन शकल ना देखाउ नहीं हमार गुस्सा अगर कहूं जाम गवा त हमसे बुरा कौनो वहाई ना आए हट जा रे हट पकड़ लो देख रे तने जाबे ले सासु मां मैं इस घर के छोड़ के कहीं ले जाऊंगी छे मुझे यही किसना क्यों ना मार डाले आप लेकिन मैं कहीं ले जाऊंगी देख रही अगर तैना चाहे तो हमारे शर्त के मुताबिक घरे में रह पड़ी जाना था हमारे शर्त का बरी कि सुबह सोए उठे चूल्हा शरद ना का हाथ यह है देख सुबह उठे चूल्हा चौका बर्तन झाड़ू पोछा नाश्ता बनाए के हम कर दिए नहाए धोए के बाद खाना पीना बनाए के बाद में घरे के साफ सफाई पूरा कर लिए ओकरे बाद खाना पीना बनाए के हम कर दे दिए के बाद हम के नहवाए दिए धोवाए दिए हमार कपड़ा पछार दिए पछारे के बाद में रंडी अगर बच जाए कौनो काम गोरू के नहवाए दिए इतना करे के बाद तो कर रहा है कि हो तो भैंसियन वाले कमरा में रह जाए और हमारे यहाँ घर में आवे कोशिश जी निकले मंजूर बा जैसे आपकी इच्छा इच्छा ना तो चल निकल बिटिया चल हट 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 हट, 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 हट।